दुनिया में कितनी भी मशहूर व अच्छी पेंटिंग बनी हो, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग के आगे टिक नहीं पाती है। म्यूजियम में कई सारे पेंटिंग्स होते हैं, पर सबकी नज़र मोनालिसा पेंटिंग पर ही होती है। मोनालिसा न केवल यह एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस रहस्य को जानने के लिए काफ़ी पेंटर्स व लोगों ने इस पर काम किया है, लेकिन इस सच का पता ही नहीं लग पाया है। 500 साल पहले पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने इसे बनाया था। इस पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए हैं। कहा जाता है कि इस चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा ही दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे फीके पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। इस पेंटिंग के साथ कई तरह के और भी रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्पैरो ने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने प्यार के लिए सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने कई सालों तक उसका इंतज़ार किया है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, रहस्यमय मुस्कान। माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया है, उसके अंदर कई तरह के राज छुपे हुए थे, इसीलिए यह पेंटिंग भी इतनी रहस्यमय है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्यमय है। रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपरी दो दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उनके ऊपरी होठ अंदर को दबे हुए हैं। यह कारण है कि हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखती है। वही हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने कहा कि मोना की स्माइल नहीं बदलती है, यह हमारी दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं, हमें वही दिखाई दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था, 1517 में इसे पूरा किया गया। इस पेंटिंग में इनके होठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन काफ़ी छोटी है। यह 30x21 इंच की है। इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पर नहीं, पॉपुलर लक्कड़ पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। फैक्ट नंबर 4, चोरी के बाद हुई थी प्रसिद्ध यह पेंटिंग। यह पेंटिंग पहले इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन रीस लूब म्यूजियम पेरिस से चोरी होने के बाद यह काफ़ी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था। उसने काफ़ी पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा लिया गया था। इसकी चोरी के बाद एक हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर होगी। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर म्यूजियम में रख दिया जाए। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। फैक्ट नंबर 5,
मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स हैं। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेदो पार्द्रो में रखी गई है। 1514 से लेकर 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह है। इसे मोना वोना कहा जाता है। कहा जाता है कि यह शायद पेंटिंग्स भी लियो ने ही बनाई होगी। फैक्ट नंबर 6, लोगों ने पहुंचाया था काफ़ी नुकसान। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया है, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस बार पेंटिंग को लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। उनके बाद इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उनके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। उसके बाद भी एक महिला ने इस पर लाल स्प्रेड छिड़क दिया था। फैक्ट नंबर 7, कौन है ये महिला? लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा था, ना ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। स्कॉलर्स का मानना है कि पेंटिंग्स लिस घेरादिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की एक महिला है। वही कुछ लोगों का कहना है इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।